बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आसिफ टेक प्रो। सो गाइस, आज मैं न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज मैं न्यू वॉलेट ऐप लेकर आया हूँ जिसकी मदद से आप अपने प्राइवेट डेटे को सेव कर सकेंगे, यानी कि अपनी फोटोज़ और वीडियोज़ को गैलरी से हाइड करके उस वॉलेट ऐप में सीक्रेटली सेव करके रख सकते हैं। अब उस एप्लीकेशन को किस तरह से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल सा है। इसके लिए आपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर चले जाना है और उसके बाद सर्च बार पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने ईजिली टाइप करना होगा कि ईजी वॉलेट, ठीक है। जस्ट आपने इतना टाइप करना होगा, गो पे क्लिक कर देना, जो फर्स्ट वाली एप्लीकेशन है इसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। अब इसको यूज़ कैसे किया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप इसके अबाउट के बारे में पढ़ सकते हैं या फिर मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसके बारे में दिया गया है, तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। इसको जस्ट आपने इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद आपसे परमिशन मांगेगा, आपने अलाउ करनी है। यहाँ से मैं पिन कोड को ड्रा कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देता हूँ। लास्ट पर आपको टिक का निशान नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना होता है। उसके बाद मैं वापस कन्फर्म पासपोर्ट पर क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देता हूँ। यहाँ पर अपना एक मेल रिकवरी यहाँ पर ऐड करके रखना है, ठीक है। अब यहाँ से कोई सा भी आपने यहाँ पर मेल ऐड करके यहाँ पर रख सकते हैं। मैं गो पे क्लिक कर देता हूँ ऐड करके। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास इमेजेस और वीडियोस का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर हम न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसकी यानी कि थीम को चेंज कर सकते हैं, यानी कि फोल्डर की थीम को, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट से राइट की तरफ स्लाइड करेंगे तो हमें सेटिंग्स का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्राइवेट ब्राउजिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिसाइकल बिन का भी ऑप्शन मिलेगा और इंट्रोडर्स का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर रिमूव ऐड करना चाहते हैं तो ये पेड आपको मिलेगा, ठीक है, ये फ्री में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब यह बाकी तो आपको मालूम है कि कैसे रिसाइकल बिन का क्या ऑप्शन होता है, इसका क्या होता है, यानी कि आपसे चीज़ें डिलीट हो जाए उसको रिकवर करने के लिए ये काम आता है। उसके बाद टोटल सेल्फी, जो भी गलत पासपोर्ट एंटर करेगा उसकी फ्रंट कैमरे से सेल्फी ले जाएगी। प्राइवेट ब्राउजिंग इसके थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। मूव ऑल सेव फाइल टू SD कार्ड में रिमूव कर सकते हैं, इंटरनल स्टोरेज में भी कर सकते हैं और यहाँ पर सिक्योर फाइल फ्रॉम SD कार्ड से भी यहाँ पर दिया गया है कि यू कैन इंपोर्ट फाइल्स फ्रॉम SD कार्ड इफ़ फाइल्स वेयर इंक्रिप्टेड बाय सम अदर डिवाइस, ठीक है, यानी कि अदर किसी डिवाइस से भी क्रैप्ट हो जाती हैं तो उनको भी SD कार्ड में इंपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आपको इस तरह की काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर अपना मेल इरेट करके यानी चेंज कर सकते हैं, चेंज पिन कोड कर सकते हैं, शफल पिन यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं, फिंगर पिन इनेबल कर सकते हैं और टेक इंट्रोड्यूस सेल्फी यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं। थीम को यहाँ से आप अपनी मर्जी से जो भी आपने सेलेक्ट करना हो यहाँ से आप कर सकते हैं, कस्टमाइज अपनी मर्जी से जिस तरह से भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लैक को सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद लॉक स्क्रीन वाल पेपर यहाँ पर इनको भी इनेबल कर सकते हैं, यानी कि जो सेट योर करंट वॉलपेपर टू लॉक स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पर आपने बिल्कुल जो होम स्क्रीन होती है वहाँ पर भी इसको लॉक वगैरह को ऐड किया जा सकता है। इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इस वाले से किसी भी किस्म का आपको क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके आप मुझे मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे वक्त मिले मैं आपके कमेंट्स और मैसेजेस का रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल आसिफ टेक प्रो को सब्सक्राइब कर दे, मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।